إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أيذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله फ़कदफ़ा दफ़ाउदन अदीमा हर तरह की तारीफ उस अल्लाह रब्लम के लिए लायक और जेबा है जो सारे जहान का अकेला खालिक है मालिक है हाकिम है रज़ है जिसके हाथ में पूरी दुनिया की बादशाहत है और जो अपने अरश पर होते हुए पूरी कायनत का निज़ाम चला रहा है बाद हो उसके तमाम नबियों रसूलों पर दरुद सलाम नाजिल हो, खूा आखिरी नबी हज़रत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आखिरी नबी आखिरी रसूल आखिरी पैगंबर बनाकर इस दुनिया के लिए भेजे गए जिनके बाद अब कयामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है मोहतरम हाजरीन इस्लामी साल का आखिरी महीना जिलहिज्जा है और आज जिलहिज्जा की उन्तीस तारीख़ है आज या कल हम एक नए साल में दाखिल होने वाले हैं जैसे ही नया साल आता है लोग मुबारकबादियाँ देना शुरू कर देते हैं हालांकि हकीकत ये है कि इंसान अपनी मौत से करीब हो रहा है अल्लाह ताली ने हम सब की जो ज़िंदगी जो उम्र लिखी थी उसमें एक साल और कम हो गए एक और ईंट गिर गई दीवार हयात की नादान कह रहा है नया साल मुबारक इंसान की ज़िंदगी बर्फ़ की तरह पिघल रही है और हम सब अपनी मौत से करीब हो रहे हैं एक साल का तज़ज़िया करें हमने इस साल क्या खोया क्या पाया हमारे कितने अज़ीज़ हमसे रुखसत हो गए हमारा कितना नुकसान हुआ हमने कितनी नेकियां की, ये मुहासबे का वक्त है ये गौर और फ़िक्र करने का वक्त है गुज़रे हुए साल से इबरत और नसीहत हासिल करके आने वाले साल में नेकियां करने का वक्त है कहीं ऐसा ना हो दिन गुज़रते रहें महीने गुज़रते रहें साल गुजरते रहें और हम उसी तरीक़े से गफलत और सुस्ती और काहली की ज़िंदगी में पड़े रहें हर गुज़रने वाला दिन हमें ये पैगाम देता है कि तुम्हारी मौत का वक्त करीब आ रहा है दुनिया से दिल लगाना छोड़ दो और आख़रत की फ़िक्र करो लेकिन हम हैं कि जागने के लिए तैयार नहीं हम हैं कि उठने के लिए तैयार नहीं हम हैं कि अपने नफ्स का मुहासबा करने के लिए तैयार नहीं मेरे भाइयों इंसान का दिल नफ्स यही सब कुछ है अगर इस नफ्स में इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो गई अल्लाह का डर पैदा हो गया तो इंसान की ज़िंदगी और आखरत दोनों कामयाब हो जाएगी और अगर हमने इस दिल में दुनिया की मोहब्बत पैदा कर ली अल्लाह के तकबा से अल्लाह के डर से हमारा ये नफ्स खाली रहा तो हमारी दुनिया भी बर्बाद हो सकती है आख़रत भी बर्बाद हो सकती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक तआला ने जिन मकासद के लिए भेजा था वो मकासद बहुत ऊँचे हैं लेकिन जिन मकासद के लिए आपको भेजा था उसमें से एक मकसद आपका ये भी था कि आप लोगों का तजकिया करें तजकिया किसे कहते हैं नफ्स को पाकिज़ा करना नफ्स में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करना नफ्स में अल्लाह का डर पैदा करना चुनानचे अल्लाह ताला तरमाया फिल उम्मीना रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयात वह युजक के हिम वही किताबुल तो अल्लाह तबारक वाले ने नबी की बेसत का मकसद बताया जिसमें से एक मकसद क्या है वह युजक के हिम उनका तजकिया करते हैं उनके नफ्स को पाक करते हैं नफ्स को दुनिया की मोहब्बत से पाक करके अल्लाह की मोहब्बत भर देना दुनिया की मोहब्बतों को निकाल करके अल्लाह की मोहब्बत से नफ्स को पुर कर देना यह वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद था और आपकी बेसत का मकसद था अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में जा बजा नफ्स की पाकिजगी का हुक्म दिया है चुनान चेला तौन फरमा कद मन ज़क्काहा वो शख्स कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया वक़द खाबा मंदस्साहा और वो बर्बाद हो गया जिसने अपने नफ्स को परागंदा कर लिया यानी अगर हमारे दिल में नेकियां भर गईं तो हम कामयाब हो गए और हमने अपने नफ्स को गुनाहों से आलूदा कर लिया तो हम नाकाम और नामुराद हो गए इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया क़द अफला तज़ का वजु रब भी फसल्ला वो शख्स कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स का तजकिया कर लिया और अपने रब के नाम को याद किया और नमाज पढ़ी मालूम यह हुआ कि नफ्स का तजकिया करना बहुत ज़रूरी है जो लोग अपने नफ्स का तजकिया करते रहते हैं जो शख्स बार बार अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करता रहता है वो कामयाब होता है जिस तरीके से एक ताजर रोज़ाना का हिसाब रखता है आज हमने क्या बेचा कितना नफ़ा कमाया कितना नुकसान हुआ अगर रोज़ाना का हिसाब रखेगा तो महीने में फिर एक हिसाब करता है कि इस महीने में हमारा कितना नुकसान हुआ कितना फायदा हुआ कोई ताज़िर अगर अपनी दुकान का हिसाब अपनी तजारत का हिसाब नहीं रखता है तो वो कामयाब ताज़िर नहीं बन सकता है इसलिए कि उसको अंदाजा नहीं होगा कि उसकी दुकान खसारे में जा रही है या नफ़ा में जा रही है अल्लाह तबारक वाले ने हमें हुक्म दिया है कि हम अपने जिंदगी के आमाल का मुहासबा करते रहें रोज़ाना जब हम अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाएँ तो सोचें कि आज हमने क्या नेक काम किया है क्या बुरा काम किया है अगर हमने नेक काम किया है तो हमें इत्मीनान होना चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी नेकियों को कबूल फरमा ले और अगर हमने गुनाह का काम किया है तो सोने से पहले हमको तोहबा करना चाहिए लेकिन क्या हम अपने नफ्स का मुहासबा करते हैं क्या हमारे दिल में कभी ये ख्याल आता है दिन भर मेहनत करते हैं रात में बिस्तर पर पहुंचते हैं ईशा की नमाज पढ़े कि नहीं खाना खाने के बाद सोने की तैयारी हो जाती नफ्स का मुहासबा करने का इंसान को फुर्सत ही नहीं है मेरे भाइयों हर गुजरने वाला दिन हर गुजरने वाले लोग हमको ये सबक दे रहे हैं कि आए इंसान तेरी जिंदगी बहुत मुख्तर है तेरी जिंदगी बहुत मुख्तर है कब मौत का झटका लगे और कब तू मौत की आगोश में पहुंच जाए फिर उसके बाद तुझे पछताना होगा कि अल्लाह ने इतनी बड़ी ज़िंदगी दी थी मैं कुछ नहीं कर सका इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह ने हमें मौका दिया हम अपने नफ्स का मुहासबा करें और हम हमेशा हिसाब रखें कि हम नेकियां करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं या गुनाहों में अपने नफ्स को आलूदा करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने हमेशा दुनिया से बेरगबती की है आपने हमेशा दुनिया को धुतकारा है आपने दुनिया में कभी दिल नहीं लगाया बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को बहुत हकीर करार दिया सही मुस्लिम की वो मशहूर हदीस है अल्लाह के नबी ससर ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स अपनी शहादत की उंगली को समंदर में डाले और देखे कि उसकी उंगली में कितना पानी लगा है जो उसकी उंगली में पानी लगा है वो दुनिया है और जो समंदर में पानी है वो आखरत है मुहदसिन ने इसके दो मफहम बयान किए हैं एक मफहम तो ये बयान किया है कि उंगली में जो पानी लगा है वो जल्दी से सूख जाएगा और समंदर में जो पानी है वो सूखेगा नहीं तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी आखरत ख़त्म होने वाली नहीं है हदीस का एक मफहम तो ये है दूसरा मफहूम यह है कि दुनिया आखरत के मुकाबले में बहुत कम है इंसान की उंगली में जो पानी लगा है वो एक कतरा है दो कतरा लेकिन समंदर इसका मुकाबला उससे नहीं किया जा सकता आखरत के मुकाबले में दुनिया की हैसियत एक कतरे की है लेकिन हम लोग कितने कम अक्ल हैं किसी एक कतरे के लिए हम समंदर को ठुकरा देते हैं हम अपनी दुनिया को बनाने के लिए आखिरत को ठुकरा देते हैं वो शख्स अक्लमंद नहीं हो सकता है जो दुनिया के लिए अपनी आखरत को ठुकरा दे आखरत के लिए दुनिया को ठुकराया जा सकता है लेकिन दुनिया के लिए आखरत को ठुकराया नहीं जा सकता दुनिया बहुत मख्तसर है हर गुजरने वाला दिन हर गुजरने वाला दिन हमें ये सबक दे रहा है कि तुम जिंदगी के मराहिल तय कर चुके हो मौत से करीब हो रहे हो दुनिया से दिल लगाना छोड़ दो आखरत की तैयारी करो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह तबारक तआला ने आखिरी वक्त में फरमाया फेमद रब का वस्तग फिर हो इनहू आप अपने रब की तस्बीह बयान करें उससे इसतगफ़ार करें बेशक वो तौबा को कबूल करने वाला ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीहात का अहतमाम करें चलते फिरते उठते बैठते अल्लाकबर अल्लाकबर सुबहान ये है एक सच्चे मुसलमान की पहचान एक ये, ये है सच्चे मोमिन की पहचान कि उसका उसका दिल हमेशा अल्लाह के जिक्र से मामूर रहे उसकी ज़ुबान से हमेशा अल्लाह का जिक्र होता रहे कहाना रसोल्ला सल्ला वसमा यज़कुरानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह का जिक्र करते थे कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरता था जब अल्लाह के रसूल अल्लाह के जिक्र से मामूर ना हो मेरे भाइयों हज़रत तजाब रजी अल्लाह तार बयान करते हैं एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में जा रहे थे आपके साथ बहुत सारे सहाबा थे बाजार में देखा कि एक बकरी का बच्चा मरा पड़ा हुआ है और वो बकरी भी कैसी छोटे छोटे कान वाली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी के बच्चे के कान को पकड़ा और सहाबा से पूछा कि अ मेरे सहाबा बताओ क्या कोई एक दिरहम में बकरी के इस बच्चे को खरीदेगा सहाबा ने कहा कि अये अल्लाह के रसूल इसको कौन एक दिरहम में खरीदेगा ये तो मर चुका है अगर ये बकरी का बच्चा जिंदा भी होता तो हम इसको एक दिरहम में नहीं खरीदते क्यों इसके कान छोटे छोटे हैं इसके कान छोटे छोटे हैं तब हमारे नबी ने फिर दूसरी बात कही कहा अगर कोई शख्स इसको फ्री में लेना चाहे तो ले सकता है क्या साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल इस मरे हुए बकरी के बच्चे को हम फ्री में भी ले लेंगे क्यों इसलिए कि ये मर चुका है हमारे नबी ने फरमाया कि जिस तरीके से इस मरे हुए बकरी के बच्चे की तुम्हारी निगाह में कोई हैसियत नहीं अल्लाह निगाह में इस दुनिया की हैसियत उससे भी गई गुजरी है उससे भी गई गुजरी है और हमने इसी दुनिया को सब कुछ समझ लिया हम इस दुनिया में इस कदर मशगूल हुए कि हम अपनी आखरत को भूल गए अक्सर लोग ये भूल गए हैं कि उन्हें मरना भी है अगर बात की जाए तो कहते हैं हाँ मरना तो है यह हकीकत है जुबान से कहते हैं लेकिन अमली तौर पर लोग ये भूल गए हैं कि उनको मरना है हम लोग मस्जिद में हैं जुमा का खुतबा हो रहा है इन जुमा की नमाज पढ़ेंगे क्या किसी को यकीन है पूरी यकीन के साथ कह सकता है कि यहाँ से उठकर फिर अपने अपने घर तक जा सकता है कोई कह सकता है किस कदर हम मौत से गाफिल हैं हम ये समझते हैं कि हमारी उम्र अभी बहुत लंबी है और हम दुनिया कमाने के लिए अपने आप को बिल्कुल दुनिया में माह किए हुए हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को अल्लाह के नज़दीक बकरी के मरे हुए बच्चे से भी गया गुजरा करार दिया यही नहीं बल्कि अल्लाह के नबी वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अगर इस दुनिया की हैसियत अल्लाह के नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर भी होती मच्छर बहुत मामूली होता है उसका कोई वजन ही नहीं होता है जब मच्छर का कोई वजन नहीं है तो उसके पर का वजन क्या होगा अल्लाह अलैहि वसल्लम की बात का एक एक अंदाज नबी वसल्लम के जुमले में एक एक जो बात है कितनी वजन रखती है आपने मच्छर के बराबर नहीं कहा आपने कहा मच्छर के पर के बराबर मच्छर को भी तो कुछ वज़न हो सकता है मच्छर के पर का तो कोई वजन नहीं है अल्लाह के नबी ने फरमाया इस दुनिया की हैसियत अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है अगर मच्छर के पर के बराबर भी इस दुनिया की कोई हैसियत अल्लाह के नजदीक होती तो अल्लाह किसी काफिर को एक घूंट पानी भी नहीं देता मालूम यह हुआ कि इस दुनिया की कोई हैसियत है ही नहीं यह दुनिया की जिंदगी खेल और कूद है अल्लाह कुरानी मजीद में इसकी बेसबाती का बार बार तस्करा किया ये दुनिया की ज़िंदगी खेल कूद की ज़िंदगी है एक दूसरे पर फख्र करने की ज़िंदगी है मेरे पास ज़्यादा माल है तेरे पास कम माल है मेरे पास हुकूमत है तेरे पास नहीं है मेरे पास गाड़ी है तेरे पास नहीं है मेरे पास बंगला है तेरे पास नहीं है और जब तक इंसान जीता है ब्रांडेड ब्रांडेड क्या इंसान क्या है ज़िंदगी कपड़े ब्रांडेड पहनता जूते ब्रांडेड पहनता गाड़ी ब्रांडेड खरीदता घड़ी ब्रांडेड खरीदता अब तो कबर भी ब्रांडेड बनाई जाने लगी है कैसे कैसे पत्थर कैसे कैसे ग्रेनाइट? कहाँ कहाँ हम खो गए हैं हम अपने आप को मुसलमान कहने वाले हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाले हम कहा खो गए हमने दुनिया से किस कदर मोहब्बत की ये आँख बंद होते ही जिसम से रूह निकलते ही इंसान को अपनी हैसियत मालूम हो जाती इंसान को अपनी औकात मालूम हो जाती है मेरे भाई ज़िंदगी बड़ी तेज़ी के साथ गुजर रही है अपने नफ्स का मुहासबा कीजिए हमने कल आखरत के लिए क्या तैयारी कर रखी है अगर इसी वक्त हमारी मौत हो जाए तो हम इस लायक हैं कि अल्लाह हमको बख्श देगा या नहीं अगर हम इस लायक नहीं हैं तो अभी तोबा करें और अपने आप को इस लायक बनाएं कि जब भी मौत आ जाए हमें यकीन हो कि हमारी नेकियां अल्लाह के यहाँ कबूल होंगी और अल्लाह अपनी रहमतों से हमें जन्नत दे देगा हमें ये यकीन होना चाहिए मेरे भाइयों लेकिन हम दुनिया में इस क़दर मशगूल हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है ये दुनिया मतूण है इसकी कोई हैसियत नहीं अल्लाह के नबी फरमाया फरमाए दुनिया मल ये दुनिया मल है इसकी कोई हैसियत नहीं वो मलून ममाफिया दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सब मत हैं हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हैसियत बाकी है वो कौन है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इल्ला जिक्र अल्लाह अल्लाह का जिक्र करना यह दुनिया है दुनिया की तमाम चीज़ें मलून हैं दुनिया के तमाम लोग मलून हैं अगर इस मलूनीत से बचना चाहते हैं जिक्र अल्लाह अल्लाह का जिक्र करना अल्लाह का ज़िक्र करो अल्लाह को याद करो अल्लाह की तस्बीह बयान करो तहमीद करो तकबीर करो तकदीस करो, करो यही यही दुनिया का मकसद है अल्लाह अल्लाह अल्ला का जिक्र वमा वाहू और वो तमाम नेकियां जो अल्लाह से करीब कर दे ये नमाज़ ये रोज़े ये सदक़ा ये खैरात ये हज ये उम्रा ये कुरान की तिलावत ये दुआएं ये लोगों के साथ सिला रहमी यही अल्लाह को पसंद है वरना ये दुनिया मलौन है औ औ अतमन आलिम मलओन नहीं है अल्लाह के नबी ने कहा क्यों इसलिए कि उसके पास इल्म है वो अल्लाह से डरता है मेरे भाइयों मालदारों का तस्करा नहीं किया गया सरमायादारों का तस्करा नहीं किया गया अल्लाह के नबी ने फरमा औ आलिमन औ मुतमन आलिम मलाउन नहीं है मुताल माउन नहीं है इल्म हासिल करने वाला इल्म देने वाला ये मलाून नहीं हो सकता मेरे भाइयों मालूम ये हुआ कि इस दुनिया की मलाउनीत से अगर बचना चाहते हैं तो इल्म हासिल करें अहले इल्म का मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है अहले इल्म को अल्लाह तबार व तआला ने बहुत ऊंचा मकाम दिया इनमा यक्षश अन इबादल अल्लाह से डरने वाले वालमा ही हैं ये वालमा हैं जो आपको दीन की बातें बताते हैं ये वालमा हैं जो आपके गलतियों पर नकील करते हैं ये वालमा हैं जो आपकी आखरत को संवारने के लिए आपको तंबीह करते हैं जिस दिन ये वालमा नहीं रहेंगे जाहिलों को लोग अपना सरदार बना लेंगे और उनको कुछ इल्म तो होगा नहीं वो ख़ुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे इसलिए मेरे भाइयों की क़द्र करें मतालम की कदर करें इल्मी मराकिस कायम करें मसाजिद में मदारिस में मकातब में इल्म का जाल फैलाएँ हमारे असलाफ ने जो कोशिशें की थी वो चराग बुझ रहे हैं वो चराग बुझ रहे हैं मकातब का जाल जो बिछाया था वो ख़त्म होते जा रहा है मदारिस पर और जामियात पर लोगों की गलत निगाहें पड़ गई हैं लोगों की निगाहों के शिकार हो गए हैं उम्मत के हर फर्द की जिम्मेदारी है कि इस्लाम के इन क़िलों को मजबूत कराएं। इसलिए कि इन क़िलों की मौजूदगी से ही हमारा ईमान बाकी है और हमारे अंदर ईमानी रमक चमक और दमक बाकी है अल्लाह के वसल्लम ने फरमाया इन दुनिया हलवन ये दुनिया मीठी है ये दुनिया मीठी है खजीरतन सरसब्दो शादाब है अन्न अल्लाह मुस्तल कुम्फी हा और अल्लाह ताला तुमको दुनिया के अंदर जानशीन बनाएगा जानशीन बनाएगा तुम्हें हुकूमत देगा तुम्हें सरदारी देगा तुमको जानशीन बनाएगा इसलिए नहीं कि अल्लाह तुमको पसंद करता है इसलिए नहीं कि अल्लाह तबारक तआला तुमसे बहुत खुश है बल्कि फयं कैफ तअमलून वो देखेगा कि तुम अमल कैसा करते हो अगर तुमको हुकूमत और सरदारी मिल जाए अगर तुमको इकदार मिल जाए तो तुम काम क्या करते हो मेरे भाइयों ये हुकूमत ये स्यादत ये कयादत, ये ज़िम्मेदारियाँ अच्छी चीज़ नहीं है अल्लाह ताला इसे दे करके लोगों को आजमाना चाहता है जो लोग कयादत और सियादत को पा करके अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह के रया का ख्याल करते हैं उनका मकाम अल्लाह के यहाँ बहुत ऊँचा है लेकिन जो इस कयादत और सियादत को अपनी नाक ऊँची करने का और अपनी शोहरत का एक जरिया समझते हैं वो दुनिया में भी बदनाम होते हैं आख़रत में भी बदनाम होंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयादत और सियादत की तमन्ना करना इतना ख़तरनाक है इतना ख़तरनाक है जिस तरीके से दो भेड़ियों को दो भूखे भेड़ियों को बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिया जाए तो वो बकरियों को कितना नुकसान पहुँचाएंगे इस तरीके से अगर कोई क़्यादत और सियादत का ख्वाहिशमंद है कोई ज़िम्मेदारी चाहता है उसके लिए कोशिश करता है अगर उसको ज़िम्मेदारी मिल जाए तो वो इसी तरह की हरकतें करेगा लिहाजा हम देख रहे हैं जिसको मामूली क़्यादत मिल जाती है कोई सदर हो गया कोई सेक्रेटरी हो गया कोई ज़िम्मेदार हो गया कोई सोसाइटी का मालिक हो गया कोई बैतुलमाल का ज़िम्मेदार हो गया वो अपने बाप की प्रॉपर्टी समझने लगता है वो ये समझता है कि ये सब हमारी मिल्कियत है नहीं मेरे भाइयों चंद लोगों ने चुन करके आपको वो मकाम दिया है और अल्लाह ताला ने आपके ऊपर ये जिम्मेदारी रखी है ताकि अल्लाह ताला आजमाए कि आप खयानत करते हैं या अमानतदारी करते हैं अगर हमने कौम के साथ खयानत की कयामत के दिन अल्लाह के यहां हमको जवाब देना होगा है तो उमर बिन खताब रजी अल्लाह तारा जब आपको जख्मी कर दिया गया और तबीबों ने आपको बताया कि आप शहद का इस्तेमाल करें है तो उमर बिन ख़ रज़ील्ला तहों के घर में शहद नहीं था आप मस्जिद में आए मम्बर रसूल पर बैठे मस्जिद नबूई के अंदर साहब कराम भरे हुए हैं पूरी मस्जिद खचाखच भरी हुई है अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजियल्ला कहते हैं कहते हैं आपको मालूम है मेरे पेट को फाड़ दिया गया है तबीबों में मुझे हुक्म दिया है कि मैं शहद का इस्तेमाल करो मेरे घर में शहद नहीं है अगर आप इजाजत दें तो बैतलमा से थोड़ा शहद मंगा लो मेरे भाइयों साहब की सिसकियों से और उनकी आहों से मस्जिद नबु गूंज उठी कहा अबीरमी आप अबीरमीर हैं आप हमारे सरदार हैं आप मामूली शहद के लिए हमसे इजाजत तलब करते हैं अमीर उलमोमिन ने क्या कहा नहीं नहीं अल्लाह की कसम कयामत के दिन अल्लाह हमें अल्लाह के यहां हमें जवाब देना होगा मेरे भाइयों एहसास से जिम्मेदारी आपको उहदा मिला है आपको यह मनसब मिला है इसका मतलब ये नहीं कि आप सियाह सफेद के मालिक हो गए इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि आप लोगों के ऊपर जुल्म करें इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि आप लोगों के हकूक को सलभ करें इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने आपको यह हुकूमत और सियादत और क़ियादत की जिम्मेदारी देकर के आपको आजमाइश में मुबतला कर लिया है आप अपनी आखरत को संवार रहे हैं या अपनी आखरत को बिगाड़ रहे हैं यह एहसास पैदा करो मेरे भाइयों अल्लाह तबारक वाली हम सबको ये सोच ये फ़िक्र के साथ ज़िंदगी गुजारने की तोफीक नायत फरमाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़ैन जरू कई फ़तः अल्लाह देखना चाहता है कि तुम्हें सियादत और क़्यादत मिलने के बाद तुम अमल कैसा करते हो लोगों के साथ इंसाफ का मामला करते हो या उनके साथ का मामला करते हो फ दुनिया व तक अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने आप को दुनिया से बचाओ और अपने आप को औरतों से बचाओ ये दुनिया और यह औरत इनके चक्कर में जो भी पड़ा है बर्बाद हो गया है यह दुनिया किसी के साथ वफा नहीं करती है आप दुनिया में कितना भी कमा लें कून का खजाना आपके पास आ जाए लेकिन आपको मौत के मुंह में जाना है आपको मौत के मुंह में जाना है हमको मौत के मुंह में जाना है दुनिया किसी के साथ वफा नहीं की है दुनिया वसा औरतों से भी बचिए औरतों का चाल औरतों का जाल ये मर्दों के लिए बहुत खतरनाक जो लोग औरतों के चक्कर में पड़ गए हैं वो अपनी कयादत और सियादत और हुकूमत और दुनिया और आखरत सब बर्बाद कर चुके हैं बहुत सारी मिसालें हैं अल्लाह के नबी सल्ला वसम ने यह हदीस बयान करने के बाद फरमाया बनी इसराइल में जो पहला फितना पैदा हुआ वो औरतों का ही था आप ने यह भी फरमाया कि औरतें ये शैतान की शिकार गां हैं शैतान इन्हीं के जरिए से लोगों के ऊपर हमले करवाता है जो इंसान औरतों के हसन पर रेफ्ता हो जाए जो इंसान औरत के जाल में फंस जाए वो अपनी दुनिया और आखरत बर्बाद कर देता कितने लोग हैं जो अपनी बीवियों की मोहब्बत में अपने माँ बाप के ऊपर ताते हैं क्या ये सही नहीं है कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी बीवियों की मोहब्बत में नबी की सुन्नत पर और अपनी दाढ़ी पर अस्त्रे चलवाते हैं क्या ये फितना नहीं है क्या ये फितना नहीं है कितने लोग ऐसे हैं जो औरतों की मोहब्बत में फरेस्ता होकर के नबी की सुन्नतों की मुखालफत करते हैं ऐसी बहुत सारी मिसालें मैं दे सकता हूँ लेकिन ये वक्त इस बात का तकाजा इस बात का मुतहमल नहीं है कि मैं इन बातों की तरफ रोशनी डालूँ हमारे नबी ने फरमाया दुनिया से और औरतों से बचकर रहो ये दुनिया और यह औरत जिस जो इनके पीछे पड़ता है उसको तबाह बर्बाद कर देती है अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कुन फी दुनिया का अन्न का गरीब और आबिर दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक अजनबी रहता है अब हम सब लोग यहीं के रहने वाले हैं एक दूसरे को पहचानते हैं दूसरे से शनासा जब हम एक दूसरे से मिलते हैं कैसा मोहब्बत के साथ मिलते हैं लेकिन अगर हमारे दरमियान कोई अजनबी आदमी आया तो वो उसको अजीब लगेगा वो हमारे साथ अपना दिल नहीं लगा सकता है क्यों वो अजनबी है उसको अपने काम से काम आया नमाज़ पढ़ा चला गया तो दुनिया में अजनबी की तरह रहो लोगों से ज़्यादा मेल जोल करके दुनिया में दिल मत लगाओ कनफुनिया का अन्न का गरीब और आव आविर या मुसाफिर की तरह से मुसाफिर सफ़र करता है रास्ते में बड़े खूबसूरत मनाजिर आते हैं लेकिन क्या वहाँ कयाम कर लेता है आप अपनी कार में या ट्रेन में जब भी सफ़र करते हैं कैसे खूबसूरत मनाजिर आते हैं देखते रहते हैं चलते रहते हैं कोई वहाँ कयाम नहीं करता है क्यों इसलिए कि वो मंजिल नहीं है वो रास्ता है इस हदीस को बयान करने के बाद अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह कहते थे इज़ा असबाहता फ़ला तन तजी जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतज़ार मत करो वहीज़ा हम सही था फलातन तजर सबाह और जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतज़ार मत करो हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी का ये आखिरी दिन हो हो सकता है हमारी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे हों हमें क्या मालूम कल का सुबह फिर हम देखेंगे इसलिए हमेशा अपने नफ्स का मुहासुबा करते रहें अब्दुल्ल अबिन मसूद रजी अल्ला कहते एक बार अल्लाह के नबीम के पास में गया नबी सल्ला वसलम एक चटाई पर लेटे हुए थे आपके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था ऊपर वाला कपड़ा जो हम कुर्ते के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या बनियान वगैरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे तो आपके पीठ पर चटाई के निशानात पड़े हुए थे हैत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल आप इजाज़त दें हम आपके लिए बेहतरीन बिस्तर बनवा दें बेहतरीन गद्दा बनवा दें आज हमारा हाल क्या है हम बिस्तर पर नहीं सोना चाहते हमारे लिए मोटे गद्दे होना कहते हैं आज रात भर नींद नहीं आई क्यों सुकून नहीं था बिस्तर नरम नहीं था हमारे नबी ससरंग की चटाई पर जिंदगी गुजार दिए अब्दुल्लाबिन मसूद रजी अल्लाह तआला ने जब ये बात कही कि आय अल्लाह के रसूल आप इजाजत दें हम आपके लिए बिस्तर बनवा दें तो आपने क्या कहा मुझे दुनिया से क्या लेना देना मैं एक मुसाफिर की तरह हूँ जिस तरीके से एक मुसाफिर चलता रहता है थक जाता है एक दरख्त के नीचे थोड़ी देर तक आराम कर लेता है उसके बाद फिर अपना सफ़र जारी कर लेता मेरी भी मिसाल वैसी ही अल्लाह के वसल्लम दुनिया से किस कदर बेरगबती का इजहार करते हैं है तो उमर बिन ख़ताब रजी अल्लाह तन कहते हैं अल्लाह के नबीम एक बार अपनी बीवियों से नाराज़ हो गए एक महीने के लिए आप अपनी बीवियों से अलग हो गए मैं आपसे मिलने गया आप बाला खाने पर थे मैं देखा आपके घर में पानी का एक प्याला है आपके घर की मिलकियत बैत जिसे कहते हैं आपके घर में पानी का एक प्याला है एक मशकीजा लटका हुआ है एक चटाई बिछी हुई है और एक तकिया है जिसमें खजूर के खजूर के टुकड़े उसके जो छिलके होते हैं वो छिलके भरे हुए हैं कहते हैं नबी सासरम बैठे तो आपकी पीठ पर चटाई के निशान और जब आपके तकिए पर मैंने हाथ रखा तो देखा कि उसमें खजूर के छिलके अजीब अजीब महसूस हो रहा था है तो उमर बिन खताब रजी अल्लाह तारा रोने लगे अल्लाह के नबी सस ने फरमाया कि आए उमर तुम क्यों रो रहे हो कहा है अल्लाह के रसूल आप कायनात के इमाम हैं आप सारे इंसानों के सरदार हैं और आपके घर की हालत यह है ये रोम और ईरान वाले बेदी होने के बावजूद कैसी कैसी नियमतों में पड़ रहे हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लहूम फि लहूम फि दुनिया वलाना फिल आखरा उमर उनके लिए दुनिया है हमारे लिए आखरत है मेरे भाइयों ये बात हकीकत है ये बात बिल्कुल सौ फीसद सही है कि जिस क़दर हम दुनिया में ऐश की ज़िंदगी गुजारेंगे उसी क़दर हमें दुनिया से मोहब्बत होगी उसी क़दर हम मौत से गाफिल होंगे और जिस कदर हम दुनिया से कम दिल लगाएंगे उसी क़दर हमें आखरत की याद ज़्यादा रहेगी हम ये नहीं कहते हैं कि दुनिया छोड़ दो हम कभी ये नहीं कहेंगे लेकिन दुनिया में उतनी दिल लगाओ जितना यहाँ रहना है दुनिया ही को सब कुछ समझ लेना और दुनिया को पा करके आखरत को भूल जाना यह अकलमंदी नहीं है मेरे भाइयों आज हमारा हाल यही है कि हम दुनिया के ऐशो इशरत में इस कदर मह हुए कि हमने अपनी आखरत को भुला दिया मौत का नाम सुनते ही इंसान डर जाता है मौत से बचने के लिए अपनी पूरी जायदाद खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है इस कदर हम मौत से डर गए और इस कदर हमको जिंदगी प्यारी हो गई है क्यों आखिर क्यों यही कि हम दुनिया से बहुत मोहब्बत करने लगे जबकि हकीकत यह है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है दुनिया मोमिन व काफिर हमारे नबी ने फरमाया दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है हम कैद खाने को पसंद कर रहे हैं हम जन्नत को ठुकरा रहे हैं दुनिया में उतना ही दिल लगाओ जितना यहाँ रहना है ज़्यादा दुनिया में दिल लगाओगे आखरत से गाफिल हो जाओगे ज़्यादा दुनिया में दिल लगाओगे नमाजों से गफलत होगी दुनिया में ज़्यादा दिल लगाओगे अल्लाह को भूल जाओगे दुनिया में ज़्यादा दिल लगाओगे ऐश इशरत में ज़िंदगी गुजार करके अपनी आखरत को तबाह बर्बाद कर लोगे जबकि हकीकत यह है अल्लाह ताला ने फरमाया बल तोयात दुनिया वल आखिरत व अबका तुम्हारी हालत यह है कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो वल आखिरत व अबका और आखिरत की ज़िंदगी बेहतर है और बाकी रहने वाली है एक इंसान कितने दिन तक जी लेगा यहाँ आप आप कितना भी कमा लें कितने दिन तक जियेंगे हमारे नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत की उम्रें साठ से सत्तर के दरमियान है उससे पहले भी कोई मर सकता है उसके बाद भी सौ साल होने के बाद बच्चे दुआ करते हैं कि जल्लाह जल्दी उठा ले यह हालत है इसलिए कि सौ साल पहुंचने के बाद इंसान लोगों पर बोझ बन जाता है उनको उठाना बैठाना खिलाना पिलाना धुलाना यह सब दूसरों की जिम्मे हो जाता है कितने जिएंगे इसलिए दुनिया ही को सब कुछ समझ करके अपनी आखरत को बर्बाद न करो दुनिया बहुत मख्तसर है अल्लाह तबार बिल्कुल खैरात नेकी में जल्दी करो गफलत के चादर को हटाओ गफलत से बाहर आओ नबकत करो नेकियां करने का नहीं नेकियों में मुकाबला करने का हुक्म दिया लोग पंज वक्ता नमाज पढ़ते हैं आप तहजद का भी अहतमाम करें लोग रमज़ान के रोज़े रखते हैं आप अयाम बीस के भी रखें लोग अयाम बीज के रखते हैं आप पीर और जमेरात का भी रखें नेकियों में सबकत करें नेकियों में आगे बढ़ें वसार उला मकफरत मब्नत अर्जुहत वालर्क अल्लाह की मफफरत की तरफ दौड़ो उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है जन्नत के हसूल के लिए खड़े हो जाओ मेरे भाइयों गफलत के चादर को हटा दो हम मौत के बिल्कुल करीब हो चुके हैं इकतराबली ना से हिसाब हम वह हुं फी गफलत मोरिजोन लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ चुका है और वो गफलत में पड़े हुए हैं मेरे भाई जो ज़िंदगी बहुत मुख्तर है अगर हमने होश के नाखून नहीं लिए और हमने अपने नरम गुदाज बिस्तरों को नहीं छोड़ा तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह वर्बाद हो जाएगी दौड़ो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो जन्नत की तरफ अल्लाह के नबी सासर ने फरमाया कि एक शख्स जिसको दुनिया में हर तरह की खुशहाली मैसर थी हमेशा आयश वशरत की ज़िंदगी गुजारा कभी उसे कोई तकलीफ नहीं हुई दुनिया की हकीकत क्या है मैं बताना चाहता हूं हदीस की रोशनी में पूरी जिंदगी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने वाला जहन्नम में अल्लाह ताला उसको एक लम्हे के लिए एक झटके के लिए डालेगा और उसके बाद निकाल करके पूछेगा दुनिया में तुझे कुछ राहत मिली थी कहेगा अल्लाह कुछ नहीं कुछ नहीं याद आ रहा है एक लम्हा जहन्नम में जाने के बाद दुनिया पूरी जिंदगी ऐशो इशरत में गुजारने वाला अपने तमाम ऐशो इशरत को भूल जाएगा और एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी मुसीबतों और परेशानियों में काट दी खाने के लिए खाना नहीं मैसर रहने के लिए मकान नहीं दवा इलाज के लिए पैसे नहीं ऐसा इंसान परेशानियों में गुजारने वाला अल्लाह ताला जन्नत में एक लम्हे के लिए डालेगा और उसके बाद पूछेगा दुनिया में तुझे कोई परेशानी आई थी कहेगा अल्लाह कुछ नहीं याद आ रहा जहन्नम में जाने के बाद दुनिया के ऐश को भूल जाएगा जन्नत में जाने के बाद दुनिया की मुसीबतों को भूल जाएगा आरजी तौर पर मुसीबतें परेशानियां आएंगी इन मुसीबतों परेशानियों को झेल लीजिए इन शह आखरत संवर जाएगी आखिरी हदीस बयान करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करीब एक वक्त आएगा एक वक्त आएगा कि दुनिया की सारी कौमें मुसलमानों पर टूट पड़ेंगी मैं समझता हूँ कि वो वक्त करीब आ चुका है करीब नहीं बिल्कुल वो वक्त आ चुका है हमारे नबी ने फरमाया सारी कौमें मुसलमानों के ऊपर टूट पड़ेंगी आज हमारे दुश्मन सब हैं सब हमारे दुश्मन हैं यहाँ तक कि मुसलमानों के तमाम फ़िरके भी हमारे दुश्मन हैं हमारा अपना कोई नहीं सिवा अल्लाह के मेरे भाइयों अल्लाह के नबी ने फरमाया एक वक्त आएगा कि तमाम कौमें मुसलमानों के ऊपर टूट पड़ेंगी कैसे टूट पड़ेंगी जैसे भूखे लोग दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं अल्लाह के नबी नबीसम से जब ये हदीस साहब कराम ने सुनी तो उन्होंने तजुब से पूछा अरे अल्लाह के रसूल हमारे ऊपर टूट पड़ेंगे क्योंकि साहब कराम तो गर्चे मुख्तर थे लेकिन हमेशा हमेशा गालिब रहे हमेशा उनके हाथ में मैदान रहा वो कम थे या ज़्यादा लेकिन जब भी थे सर उठा कर जिए थे साहब कराम ने इस बात को तजुब से सुना हमारे ऊपर लोग टूट पड़ेंगे लोग हमारे ऊपर हमला करेंगे अल्लाह के नबी फरमाया, हाँ एक वक्त आएगा सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी जैसे लोग भूखे दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं सहाबा ने कहा कि अल्लाह के हमारी तादाद कम हो जाएगी हमारे नबी ने फरमाया नहीं तुम तादाद में बहुत ज्यादा हो गए तादाद तुम्हारी बहुत होगी आज हमारे लोग बोलते नीस करोड़ हैं एक अरब हैं तीस करोड़ हूं या तीस लाख करोड़ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे नबी ने फरमाया तादाद बहुत ज़्यादा होगी लेकिन तुम्हारा वजन ख़त्म हो जाएगा तुम बेवज़न हो जाओगे जिस तरीके से पानी के ऊपर खसो खाशाक बहते हैं तुम्हारी हैसियत उन खसो खाशाक की हो जाएगी तेज़ बारिश होती है तो बाहर रोड पे जो खसो खाशाक पड़े रहते हैं पानी के बहाव के साथ सब बह जाते हैं ऐ मुसलमानों तुम्हारी तादाद करोड़ों में होगी तुम्हारा वजन नहीं होगा तुम्हारा रोब नहीं होगा तुम्हारी हैसियत नहीं होगी आज हमारा रोब हमारा दबदबा हमारी हैसियत हमारी क़वत हमारी ताकत सब खत्म हो गई है पूछा अल्लाह के रसूल वजह क्या होगी अल्लाह के नबी फरमाया तुम्हारे दिलों में वहन पैदा हो जाएगा ने मल या रसूल के रसूल, ये वहन कौन सी बीमारी है आपने फरमाया तुम ही दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे और मौत को नापसंद करोगे मेरे भाईयों तमाम खुतबों का खुलासा यही हदीस है हब दुनिया व कराहियतुल मौत तुम दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे मौत को नापसंद करोगे बजाय तकरीर करने के बजाय तकरीर सुनने के हम में से हर आदमी अपने नफ्स का मुहासबा कर ले हम दुनिया से कितनी मोहब्बत करते हैं और मौत से हमको कितनी नफरत है यही है हमारी तबाही यही है हमारी बर्बादी यही है हमारे पश्ती वुबूहाली के असबाब हमने दुनिया से मोहब्बत करना सीख लिया हम मौत से डरने लगे मौत तो आनी ही है मौत से डरने की क्या बात है मौत की तैयारी करो दुनिया से मोहब्बत करके मौत से डरने लगे हम अपना घर नहीं छोड़ना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहते हैं। हम अपनी दौलत और जायदाद को नहीं छोड़ना चाहते कितने दिनों तक हम अपने घर को अपनी दौलत को अपनी जायदाद को अपने बच्चों को लेकर बैठे रहेंगे एक दिन आएगा हमें सबको छोड़कर जाना होगा मेरे भाइयों मुसलमान कभी कभी मायूसी की जिंदगी नहीं गुजारता ये बात याद रखो मुसलमान कभी मायूसी की जिंदगी नहीं गुजारता है दुनिया से मोहब्बत नहीं करता है दुनिया को अपने दिल से निकाल दो अल्लाह तबारा तुम्हारा रोब पूरी दुनिया पर गालिब कर देगा मौत से डरना छोड़ दो मौत से डरने की क्या बात है मौत तो आनी ही है हर एक को आएगी मौत का इस्तेमाल करो मौत की तैयारी करो इसमें डरने की क्या बात है मेरे भाइयों नफ्स का मुहासबा करो हम कहाँ थे कहाँ पहुँच गए हम कहाँ थे कहाँ पहुँच गए गफलत की चादर को हटा दो नरम को बिस्तरों को समेट दो मस्जिदों को आबाद करो अल्लाह से ताल्लुकात को पैदा कर लो इंशाल्लाह 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 अल्लाह अल्ला की ज़ात से उम्मीद है यकीन है अल्लाह ताला हमारी जिंदगी को संवार देगा हमारी दुनिया और आखिरत को बेहतर बना देगा अल्लाह ताला हमें सर उठाने का कर, उठा करके जीने का मौका फ्राहम करेगा मेरे भाइयों अगर अगर जीना है तो सलीके से जियो अगर जीना है तो सलीके से जियो बुज़दिलों की तरह से काहिलों की तरह से और सुस्तियों की में सुस्तियों में मुबतला होकर के ज़िंदगी मत गुजारो मेरे भाइयों जवान बनकर कर जियो एक्टिव होकर के जियो अल्लाह की इबादत करके जियो और जब दुनिया से रुखत हो अल्लाह को राज़ी करके जाओ अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक वाली हम तमाम को सच्चा पक्का मुसलमान बनाए नबी की सुन्नतों पर अमल करने की तोफ़ी नहत फरमाए बिलातराफ़ात से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए अल्लाह जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर कायम रखे खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो रबना تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين امين